नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल विद ज़ील पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जेम। चलिए आज का ट्रेंडी टेक क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट जो न्यूज आ रहा है वो एलजी की तरफ से आ रहा है। एलजी का एक नया फोन लॉन्च करने वाला है, वो भी आईएफए में दिखाने वाला है, जो बर्लिन में होने वाला है। लास्ट एक ट्रेंडी टेक में मैंने वो बोला था आईएफए के बारे में, जो बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक शो है यूरोप का, जो इस बार बर्लिन में होने वाला है। वहां पर ये लॉन्च करेगा एलजी अपना V30 बोल के एक हैंडसेट। उसका जो फीचर है हम लोग देख लेते हैं। इसका QHD डिस्प्ले रहेगा, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो 18:9 रहेगा, तो रेजोल्यूशन अच्छा होगा। तो रेजोल्यूशन 2880x1440 रहेगा, तो अच्छा रहेगा रेजोल्यूशन। और इसका 16 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा रहेगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन अभी तक कुछ आया नहीं है, तो ये बर्लिन के आईएफए में ही दिखने को मिलेगा क्या है नहीं है इसमें। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है पैनासोनिक के टीवी डिविजन से। पैनासोनिक का OLED का एक टीवी नया लॉन्च करने वाला है दोस्तों, जिसका नाम है हमंगस बोल के एक टीवी। पता नहीं इसका क्या प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली है, बट हमंगस नाम है इसका। 77 इंच का ये होने वाला है टीवी। देखते हैं अगर आता है इसका नया वेराइटीज होगा पैनासोनिक के लिए, तो देख लेते हैं ये जब आता है तो क्या इसका दाम वगैरह रहता है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों फिलिप्स से आ रहा है। फिलिप्स एक नया लाइट लेके आ रहा है, यू पेंडेंट बोल के ये लाइट है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसका जो पूरा डिस्क है वो डिस्क ही लाइट रहेगा। इन लोगों का कहना यह है कि कुछ 25,000 घंटा ये लाइट चलेगा, लगभग 22 साल तक ये चलेगा, जिसका दाम रहेगा लगभग $230 के आसपास। पता नहीं इंडिया में कब तक आएगा, लेकिन आ सकता है क्योंकि फिलिप्स का प्रोडक्ट है और फिलिप्स का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों आ रहा है इंडिया गवर्नमेंट से। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कहना है, वो कहना ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वालिटी है उसको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है प्रोविजन देने के लिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के पीपी चौधरी ने बोला है कि जो भी प्रोविजन देने वाला है गवर्नमेंट, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो मान है, जो क्वालिटी है, उसको बढ़ाने के लिए ये स्टेप लेने जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट। तो अच्छा है हम लोगों के लिए कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स अभी मिल रहा है वो और भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का मिले। नेक्स्ट जो न्यूज आ रहा है दोस्तों क्रेडिट स्विस से आ रहा है। क्रेडिट स्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वो अपना ट्रेड जो चलता है मार्केट में उसका अप एंड डाउन के लिए बोलता है। मैं ये चीज बोल रहा हूँ इसके लिए क्योंकि एयरटेल और आईडिया के लिए क्रेडिट स्विस कुछ बोला है। बोला ये है कि दोनों ही जो टेलीकॉम सेक्टर जायंट है, ये दोनों ही डी ग्रोथ में चल रहा है, बहुत अच्छा हालत इन दोनों का नहीं है। आने वाले फ्यूचर में और भी इन लोगों का मार्केट डाउन होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट जो न्यूज आ रहा है वो दोस्तों जियो के तरफ से आ रहा है। जियो का जो फ्री फोन सब लोगों ने रजिस्टर किया था वो अभी तक डिलीवरी शुरू हुआ नहीं है, और डिलीवरी शुरू होने के लिए और भी टाइम लगेगा। जियो का जो CEO है मुकेश अंबानी, उन्होंने कह दिया है कि और भी 1 वीक डिले हो गया है। तो जितने भी लोग अभी तक जियो फोन ऑर्डर कर चुके हैं वो 10 सितंबर से पहले तो उन लोगों को किसी भी हाल में मिलने वाला है नहीं, तो वेट करते रहिए, देखते हैं कब तक ये शुरू होता है डिलीवरी होना। वैसे शर्मा जी टेक्निकल जो है हम लोगों का, उनको तो मिल गया है, अनबॉक्स भी कर चुके हैं, बाकी लोगों को कैसे कब कहां मिलता है देख लेते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम में बग मिला है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम में बग मिला है। ये बग जो है इंस्टाग्राम के खुद के एप्लीकेशन में एक प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम जो है बाकी दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करता है, लेकिन ये बग को इस्तेमाल करके हैकर्स लोग आपका प्रोफाइल हैक कर सकता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सेलिना गोम्स का मैंने इंस्टाग्राम का पिक्चर दिया है। ये इसलिए दिया है कि लास्ट वीक में सेलिना गोम्स का अकाउंट फिर से हैक हो गया था इसी कारण से, लेकिन इंस्टाग्राम वालों से ये कॉन्टेक्ट करके सेलिना गोम्स अपना प्रोफाइल फिर वापस कर लिया है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को वार्न करना चाह रहा हूँ कि छोटा छोटा ऐसा बग्स के लिए हो सकता है कि आपका भी प्रोफाइल हैक हो जाए। मैक्सिमम दोस्तों इंस्टाग्राम का जो भी प्रोफाइल हैक होता है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हाई प्रोफाइल लोगों का होता है। हम लोगों को
उससे बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि अपना सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट करते रहिए। एक सॉफ्टवेयर जो अपडेट मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा बग फ्री होता रहता है, तो आप लोग जितना भी सॉफ्टवेयर है वो हफ्ते में एक बार तो अपडेट चेक करिए कीजिए और अपडेट कर लीजिए उसको। तो दोस्तों आज का ट्रेंडी टेक बस इतना ही, मिलते हैं फिर से दोबारा ऐसी किसी वीडियो में। तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो होने में सहायता कीजिए। और आपका कोई सजेशन, कोई कुछ कहना है, किसी को कुछ बोलना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालिएगा। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक बार। जय हिंद।